गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं क्या नहीं। मैं नहा के तो आ गया हूँ, तेल भी लगा लिया बालों में, और देखो कितने फर्क। पजामा मेरा, ये ऊपर का दीदी का पूरा, नीचे का मेरा पूरा, और ये जो यहाँ पे टंग रहे हैं ना ये वाले, ये कुर्ता, ये ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है तो फाड़ी है फाड़ी, ये मेरे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, पैंट निकाल दी एक तो मैंने, और मम्मी कह रहे हैं, मम्मी भी गुस्सा हो गई, मम्मी कह रही तू पैंट तो पहनेगा नहीं, जो तेरे मन में हो वो पहन ले। ओके समझ गई गाइस, तो यार मैं क्या पहनूँ। मैंने फिर ना पैंट हटाई, मैंने सोचा पैंट तो पहनूंगी नहीं, क्योंकि पैंट उस दिन मैं पहन के जा रहा था और आज मन नहीं है, और ये वाली पैंट भी नहीं पहनूंगा। तो मैंने निकाले हैं पजामा और ये वाली टी शर्ट, देखते हैं इसमें मैं कैसे लगता हूँ। ठीक लगेंगे तो अपने पहन लेंगे, वरना तो यही ठीक है अपने, वरना अपन नंगे भी चल लेंगे, अपना कैसा। गाइस मैं भी रेडी हो गया हूँ, और दीदी भी, और वहाँ पे मम्मी हमारे लिए पसीने में खाना बना रही है। ये देखो दीदी, सॉरी गाइस, आज क्या पहना है दीदी ने, ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स, और बस 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 बहुत गंदी लग रही हो यार। मैं तो ऑलवेज स्मार्ट लगते ही लगता हूँ, काड़ा पजामा और अपनी ये ब्लू सेट, एक नंबर तगड़ो। मुझे ना थोड़ा ना परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि परफ्यूम, दिस इज माय कुछ भी, क्योंकि वॉइस परफ्यूम है। इनने गाइस किस कंपनी का परफ्यूम मंगाया आपने बताओ ना, एक दो तीन चार पाँच, यू वॉट बदतमीजी मत कर, आपके बालों में घूम गया। खा रहा मम्मा, खाने में कह रहे थे तोरी चटनी, तावरी तावरी बनाते रहते हो, तोरी अच्छी होती है यार, फिर मत करना। गाइस आपको दीदी नहीं दिख रही होगी, मैं बता दूं मैंने ऊपर तुलसी जी में पानी क्यों नहीं दिया था, क्योंकि आज संडे है और संडे को तुलसी जी में पानी नहीं देते, इसलिए मैंने तुलसी में पानी जी में नहीं दिया, सॉरी, और सब में दिया। गाइस आपको एक बात बताया, कल हम जो वहाँ से वापस आ गए नागलोई से, तो हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत देर और वहाँ पाँच मिनट भी, अगर दो मिनट भी हम वहाँ रुकते, पाँच मिनट दो मिनट भी, तो वहाँ पर इतना मतलब माहौल ख़राब हो चुका था, इतना माहौल ख़राब हो चुका था। आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ की, कि वहाँ कितना माहौल ख़राब हो चुका था, अगर वहाँ हम रुकते तो हमारा क्या हाल होता। अच्छा हुआ हम पैदल ही वहाँ से निकल लिए, और हम आगे की साइड भी नहीं गए वहाँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और आज भी है ना, बच्चों ने अपनी बुआ के घर 30 दिन गए थे, तो वहाँ की कुछ वीडियो बनाई है, वो भी डालेंगे। वहाँ पुलिस अभी भी तैनात है, और कुछ पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। देखो गाइस कितना बवाल मच गया, थोड़ी सी उसका त्यौहार मनाओ, पर किसी पर नुकसान मत करो, त्यौहार सबके होने चाहिए, हमारे भी उनके भी, पर लड़ाई झगड़े ये नहीं होने चाहिए, इतना बुरा हाल किसी का मत। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी बड़ी बुआ के, और दीदी गई है अभी ऊपर, वो क्या लेने गई थी दवाई शायद से। सो गाइस वेटर आ गया, आगे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक मिनट। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। गाइस देखो ये जो मार्केट लग रहा है, कल जब दंगे हुए थे सारा खाली हो गया था, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगी आपको कि कैसे क्या हो गया था यहाँ पे सब कुछ, और बिल्कुल खाली हो चुका था यहाँ पे, पूरी पुलिस से पुलिस थी, और ये सारा बहुत दंगों वाला एरिया है। ये देखो प्लीज, देखो यहाँ बैरिकेड भी लग रहे हैं, और यहाँ पे पुलिस भी बैठी है, देखो गाइस इधर भी पुलिस ही पुलिस है। देखो कल गाइस यहाँ पे दंगे हुए थे, इसलिए आज यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है, बैरिकेड लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। पत्थर मार रहे हैं गाड़ी में, ये देखो ये पत्थर उठा रहा है, ये मार रहा है, ये मार रहे हैं, ये देखो जरा
ये देखो ये पत्थर मार रहे हैं, ये अपना सूरजमल विहार के पास, ये देखो तोड़ दिया शीशा। चलो 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 बैठ जाओ बैठ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद उधर बैठ जाओ, नीचे पीछे पीछे हो जाओ थोड़ी थोड़ी। ये दूसरी बसों का भी देखो जरा क्या हाल कर रखा है इन्होंने। गाइस देखो अभी यहाँ पे आपको पुलिस दिखाते हैं, और बैरिकेड देख लो ये लगा हुआ बीच में एक। देखो गाइस इधर से देखो, गाइस ये देखो ये बैठी पुलिस, ये रही पुलिस, ये रही पुलिस, वहां पे भी पुलिस ही। गाइस कल ये पूरा एरिया खाली हो चुका था दंगों के चक्कर में, इतनी लड़ाई झगड़े हुए थे, पूरा कल मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया था, लोग डर के मारे भाग भाग के ऊपर मेट्रो स्टेशन पे चढ़ चुके थे, पूरा एरिया ये खाली था गाइस कल। गाइस ये देखो पुलिस की बस जीप जो भी होती है, और गाइस पूरा एरिया खाली हो चुका था कल, ये सब कुछ ए टू जेड इधर थे हम, इधर से यहाँ पे मैं गिर गया था। और कल पीयूष और मम्मी यहाँ पे आए हुए थे मार्केट में, उसके बाद ये लोग जैसे यहाँ पे दंगे वंगे हुए ये लोग यहाँ से सीधा निकल गए यहाँ पे, और बैटरी रिक्शा वगैरह सब यहाँ पे बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं मिला था, ये लोग पैदल पैदल घर आए थे, फिर डर के मारे टिकटॉक में घुस गए। डर के मारे नहीं, भूख भी लग रही थी, मैंने बोला मम्मी खिला दो, मम्मी ने बोला इधर तो बिल्कुल भी नहीं। कल इस मार्केट में थे पूरा बंद हो गया था ये एकदम से, पूरा ही बंद, और लोग पुल के ऊपर से वीडियो बना रहे थे, ये जो आपको पुल दिख रहा है, और आज हम उसकी क्लिप आपको डाल देंगे। गाइस हमें जाना पुल के ऊपर से था, पर हम आपको दिखाने के लिए पुल के नीचे से आए, देख हाँ देख लो, और कल ही हुए और आज ही आ गए हम, कहीं आग लगी है देखो पापा जी, फायर वो रो ना ऊपर देखो भाई, नागलोई में तीसरे मुहर्रम के नाम पे कैसे देखो आतंकवाद का जहर घोला गया है, और किस तरह मारा गया है देखो, भगदड़ मच गई है, पुलिस वालों को मारा गया था पहले, और पुलिस वालों ने अपने बचाव में भागे, देखो गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, जिप्सी के शीशे फोड़ दिए गए। ये गाइस अभी उस एरिए में दिखाते हैं जहाँ पे ये पुलिस ने डंडे वगैरह मारे हैं। गाइस ये देखो ये है महाराजा सूरजमल स्टेडियम का, यहाँ पे हुआ था नांगलोई का ही लाठी चार्ज, बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं देखो गाइस, तीन चार वो लगे हुए आगे, यहाँ पे हुआ था गाइस कल लाठी चार्ज, यहाँ पे गाइस ये गाड़ी पे इनने पत्थर वत्थर मारे थे, ये देखो नीचे पड़े हुए हैं, ये देखो बैरिकेड्स, इतने पत्थर मारे इनने, बस से फोड़ी हैं। हाँ ये एरिया अब तो क्लियर भी कर दिया है। कल लाठी चार्ज हुआ था क्योंकि ये लोग पुलिस पे वो कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और गाड़ियों के कांच तोड़ रहे थे, अभी आपको उसकी वीडियो क्लिप डालता हूँ जाके अभी देखो। और गाइस हमारे 12 पुलिस वाले भी हार्म हुए इन लोगों के चक्कर में, अभी जाओ फटाफट से दिखाते हैं आपको, चार नंबर पे हुआ है, और ट्रैफिक पुलिस ने भी वो किया था, ये ट्रैफिक पुलिस आपको दिख जाएगी सफेद ड्रेस में, ट्रैफिक पुलिस भी डंडे मार रही है। हो गए ना लाठी चार्ज, हो गए लाठी चार्ज, वो गाड़ी वाले और दब गए बीच में, बेचारे फिस गए गाड़ी वाले, गाड़ी वाले और फिस गए बीच में, हमारी कहाँ बढ़ेगी आगे, नहीं लेगी गाड़ी, हो गए ना लाठी चार्ज,
वो पत्थर बस गए, पत्थर वो पत्थर बस गए, पत्थर बस गए, वो पत्थर बस। अरे भाई बैठ जाओ नीचे 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 बैठ जाओ नीचे नीचे। अरे गेट खोलना कह रहा हो। ये देखो पत्थर मार रहे, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे। वीडियो बना लो, थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ, मुझे भी तो बैठने दो नीचे, मेरा भी सिर फोड़ोगे। ये देखो यहाँ पे आग लग रखी है। अच्छा मेरे साइड एक मिनट, इंडस्ट्री एरिया में लग रखी है इस आग। ऊपर देखो दीदी और मैं जा रहे हैं मेरी बास्केटबॉल की बास्केट लेने और इनकी थोड़ी सी नोटबुक लेने, क्योंकि हमें नांगलोई मार्केट में उधर मिली नहीं थी। तो अभी हम दीदी के आए थे तो इधर बहुत सारी ये खिलौने की शॉप है, तो इधर से मैं अपनी बास्केट ले लेता हूँ। और ये रही अपनी गाड़ी, गंदी हो रखी है बहुत। बुआ के घर आ चुके हैं तीस देने के लिए। ये रहा सामान, डालो जल्दी है ना। गाइस जो घेवर लाए थे वो थोड़ा कम निकला है, देखो पता नहीं, देखते हैं। उतरो जी, धोखा कर दिया, धोखा छोड़ेंगे। गाइस फ्यूज यहाँ पे बुआ को दे रहा है तीज। चलो गाइस मैं अपनी बुआ के दूसरी वाली बुआ के चलता हूँ, नीचे ऊपर ही रहती है। ये मेरी ममता बुआ का घर है। आ गया दीदी ने मैक्रोनी खा लिया, एक एक प्लेट भर के उनका ये काम है। क्यों ना खाऊं, बढ़िया बन रहा है। दीदी की बना रहा, अपनी नहीं बना रहा। गाइस मैं अरे मैं तीखा खाती नहीं, मैं लिमिट का खाती हूँ। ओए गाइस देखो मम्मी वीडियो कॉल पर, ये देखो मेरी मम्मी वीडियो कॉल पर। लाइट तो चला लो, बिग बॉस देख रहे होगे जब ही अंधेरे में है ना। आप तोरी से फ्री नहीं हुए अभी तक, पकड़ो। हमारे पीछे से तोरी बन रही है, तोरी बना रही है पूरे दिन घर में। तोरी 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 का मतलब तोरी खाना अच्छा होता है। फ्री नहीं हुए अभी तक। हां ये तोरी, मामी भांजी की बातें हैं। है पता हूं खेत में तोरी लग रही है। हां वो बोला ना आज तक थोड़ी देर के लिए। अरे अभी लगी ही है, सुन रहा हूं। बस पे दिख रहा है वो कौन सा काम है। कम भाने बात बोलो आप। क्या नहीं है, दिख रहा है मेरे को। पाँच मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते थे, आ जाते थोड़ी देर के लिए। मैं तो निकालती हूँ, मैं तो रात में रुकने का टाइम निकालती हूँ। आप भी निकालो रात में रुकने का तो मानू। अरे आप रुक क्या करो, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मम्मी इनके मुंह से रुकने की बात अच्छी नहीं लगती। मैं ना खा रही यार, तो एक रात रुकी नहीं भाई। तुमने ऐसे बोला, हम घर से निकले थे, दस दिन की ऑफिस में छुट्टी लेके ना आपके घर ही आऊंगी। तू चुप कर, इनको खाना खिला के क्यों भेजा आपने? किसको? मेरे को नहीं। अरे कोई खाने लो, झूठा थोड़ी छोड़ना है। क्या कह रही थी, मेरे तो बात ही बनवा दी। क्या बोल रही थी मैं? हाँ इनको खाना खिला के क्यों भेजा आपने? एक बहन ने अपने भाई के लिए बड़ी प्यार से खाना लगाया है, वो बहन बोरी। और अभी उनके भाई आ रहे हैं खाना खाने। अब हम जा रहे हैं अपनी घर की ओर, बुआ के घर से होके। दीदी भी आ गई, तनु दीदी और बुआ भी। गाइस अभी हम बुआ के घर से निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए, और शायद हम जा रहे हैं राजेंद्रा पे, क्योंकि पीयूष कह रहे हैं छोले भटूरे खाने के लिए। अभी पास्ता खा के आया है, उसके पेट में इतनी जगह है कि इसे छोले भटूरे भी खाने हैं। आई एम भूखा इंसान। चारों चार डाल दिया ना चक्कर दिए पैसे। हाँ 100 की थी चक्कर ना, छोले डाल दिए। अरे डाल पूछ लेना। हमने लिए थे राजेंद्रा के छोले भटूरे, तगड़े
हम अभी खा रहे हैं राजेंद्रा के छोले भटूरे, बहुत तगड़े हैं। और ये राजेंद्रा मिलन सिनेमा करमपुरा में है, मिलन सिनेमा के पास। छोले अपने मलिक से बढ़िया नहीं है, चटपटे नहीं है, नहीं है। हमारे यहाँ पे दूसरा भटूरा भी ओवर हो गया। अभी कॉफी के पीछे यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी दीदी और पापा जी की, स्टारबक्स की। दीदी को नहीं पीनी थी और पापा जी का मन था, तो इनने बोला मैं नहीं रुकूंगी इनने, तो फिर नहीं रुके, चली गई पीछे शॉप 24। यहाँ पे मम्मी की वीडियो कॉल हो रही है। आज मेरे बेटे ने मेरी चाय बनाई है और ये भी चाय रस खा रहा है, और वहाँ मेरी बेटी सो रही है, उसको नींद नहीं आ रही है। हम अपनी बुआ के घर से बहुत पहले आ चुके थे और अभी बज रहा है टाइम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यार मेट्रो स्टेशन है और ठीक इसके नीचे सामने की तरफ आप देखेंगे महाराजा सूरतमल स्टेडियम है, जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो ताजी के जुलूस में जो लोग थे वो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब एग्जाम मेरे पीछे देखो टीवी में क्या चल रहा है, न्यूज चल रही है इंडिया टीवी, उसमें आ रहा है ये नांगलोई की कल मुहर्रम था तो पत्थरबाजी हुई है। इस समय भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है, और यही वो स्टेडियम है जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो इसकी तो वीडियो अपने लोग शामिल थे। सो गाइस आज को लोग एंड करते लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।